अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। ये हमारा सेटअप है बड़ा पेट्स वाला, जो कि मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ। इतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन हम बहुत बड़ा करने वाले हैं इसको। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ हम बनाएंगे खरगोशों की जगह, जो हमारे मेहमान आने वाले हैं। और ये लकड़ियाँ आई पड़ी है जो हमें काम आने वाली हैं इस पिंजरे के लिए। इस जगह पर हम बनाएंगे पिंजरा सारा दोस्तों। हम फाउंटेन भी बनाने वाले हैं और हम तकरीबन चारों तरफ पिंजरे पिंजरे लगा देंगे। हमारा पेट हाउस सबसे बड़ा होने वाला है, मतलब अगर आपकी स्पोर्ट चाहिए हम इसको मिनी जू में तब्दील कर सकते हैं। मैं आपको तारुफ करवा देता हूँ अपने मुर्गियों से। ये जो है ना, ये असील मुर्गा है पड़ा, और ये सारी मुर्गियाँ पड़ी, और ये रखी हुई है मेरे कज़न सुभान ने। इसको बचपन से शौक है, और इसने कहा यार, मेरा वैसे एक और व्लॉग चैनल है, इसने कहा यार पेट्स व्लॉग बनाते हैं तो आप मेरे साथ कंप्रोमाइज़ करें। तो मैंने कहा ठीक है सुभान भाई। दोस्तों सुबह से बहुत भूखे हैं हमारे मुर्गियाँ, तो अभी नाम तो इनका कोई नहीं दिया, तो मुर्गियाँ ही बोलेंगे। तो अब मैं इनको खिलाने वाला हूँ डाइट। ये देखो आप छलांगे कैसे मार रहे हैं, ये देखो आप। अभी इनको हमने डाइट डाल दिया, ये सारा कुछ खा रहे हैं। तो ये जो सबसे बदमाश मुर्गा पड़ा, ये किसी को भी नहीं खाने देता। व्यूअर्स, ये हमारे सेटअप में सबसे कमजोर मुर्गा है, जो आप देख लो, इसको बहुत मारते हैं, ये सब इसको नहीं खाने देते, इसीलिए सुभान ने इसकी जगह बना दी है इधर। सुभान इसको रख दो इधर, तो यहाँ ये दाना वगैरह खाता है। तो हमने डाइट वगैरह दोस्तों डाल दिया है। तो तो मैं अब आपको मिलवाता हूँ इनकी माँ से, जो तीन बच्चों की माँ है, और बहुत अभी अभी इसने ब्रीडिंग दी है। ये देखो, ये इसके तीन बच्चे हैं, एक तो मर गया है। सुभान ये कब हुए हैं बच्चे? 3 हफ्ते तो हुए हैं। 3 हफ्ते हुए हैं इनको, तकरीबन 3 वीक हो गया बच्चे दिए हुए। तो अभी इन्होंने डाइट वगैरह खा लिया। दोस्तों मैं अब आपको ना कबूतर दिखाता हूँ, जो कि हमारे बिल्कुल साथ पीछे वाली जगह पे है, और हमने यहाँ अभी सेटअप किया नहीं है, बट अभी हम आराम आराम से ना कर रहे हैं, इधर पूरा सेटअप हो जाएगा। सिर्फ अभी हमारे पास मुर्गियाँ और मुर्गियाँ, तो कबूतर भी हैं बड़े। सुभान मुझे सबसे क्यूट बच्चा पकड़ के दिखाओ, इन तीनों में से कौन सा है पड़ा? ओहो सुभान ने पकड़ लिया। दोस्तों सबसे क्यूट बच्चा ये है पड़ा, जो कि बड़ा बदमाश है पड़ा, बड़ा भागता है, बड़ा शैतान है। ओह हो माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सुभान को तो बचपन से शौक है पड़ा, इसी वजह से इसने पाल रखे हैं। सिर्फ 1-2 मुर्गियों से स्टार्ट किया था, और आप माशाल्लाह इसका आप सेटअप देख सकते हो। इधर फाउंटेन बनाएंगे, और इधर सारे तोते वगैरह, ये इधर सेटअप। सिर्फ आपकी स्पोर्ट चाहिए, इंशाल्लाह हम अपना सेटअप बढ़ाने वाले हैं। इनको नाम दे दिया, इनका नाम है चुन्नू मुन्नू। ये जो छोटे हैं बड़े ना, तो ये दो सिर्फ वीक हुए इस दुनिया में आए हैं, तो अभी खाना शाना इन्होंने चलना फिरना सब शुरू कर दिया है। ये सुभान को बहुत शौक था, तो मैंने कहा यार चलो पेट व्लॉगिंग शुरू कर ही देते हैं। मैं आपको आज एक खुशखबरी सुना दूँ, मतलब आपको एक गुड न्यूज़ सुना दूँ। आज हमने जाना है एक अपना न्यू मेहमान को लेने। बड़ा ही खूबसूरत है, बड़ा ही खूबसूरत है। आप इनको एक जगह रखो और उसकी खूबसूरती एक जगह हो। सबसे पहले मैं अपने कबूतरों से मिलवा दूँ। ये हमारे अच्छे मोहसिन भाई हैं, इनको भी बहुत शौक है कबूतरों का। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ सबसे एक्सपेंसिव जो हमारे पास सेटअप में है होगा। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह। कासिद नाम। अच्छा इसका नाम कासिद है। ओह देखो अभी तक मुझे कबूतर पकड़ना तक नहीं आता, और हम शुरू कर रहे हैं पेट व्लॉगिंग। अच्छा इस तरह पकड़ते हैं माशाल्लाह। इन भाई ने बहुत सारे कबूतर रखे हुए हैं, देखो आप हर किस्म का आपको मिलेगा, और इधर इधर इधर। तो ये वाला आप देखो कितना खूबसूरत है, इस तरह आपको सही तरीके नहीं दिखा रहा, जो मैं दिखा सकूँ एक ये दिखा दिया, एक आधा और देख लेते हैं। तो ये खुलेंगे कल हम खोलेंगे इनको ना इंशाल्लाह। तो एक दिखा ना कोई। अच्छा आप ये कौन सी है बड़ी क्वालिटी? ये इसराइली। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है भाई, बहुत खूबसूरत है, ब्यूटीफुल। आप ये देखो इसकी नेक और ये पंख बिल्कुल कंट्रास्ट हुआ पड़ा, और ये सिर्फ दुम के अंदर यही कलर है जो इसकी नेक पे है पड़ा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बस रख दो, और जब हम आएंगे ना सुबह, अभी तो जाल ऊपर लगाया हुआ है, क्योंकि ये उड़ बिल्ली वगैरह बड़ा मसले होते हैं, चील वगैरह भी आ जाती है। अभी तक खा रहे हैं वो हमारे चिक्स वगैरह ना, सब छोटे बड़े मुर्गे अभी तक खाना खा रहे हैं। दोस्तों हम पहुंच गए हैं पेट मार्केट, और यहाँ से हमने लेना है पिंजरा, जो कि हमारा न्यू मेहमान आने वाला है उसके लिए चाहिए होगा। इतना बड़ा तो नहीं लेंगे, मेहमान छोटा है तो पिंजरा भी छोटा चाहिए। तो ये इसका रेट पूछो जरा। हमने ना ये पिंजरा बाय कर लिया है, तो चलो यार पैक करो इसको। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ मुझे बहुत पसंद आया।
दोस्तों आज जो हमारे पास छोटा मेहमान आना था वो नहीं आ सका क्योंकि वो आएगा कल। जिससे हमने लेना था ना वो बंदा कहीं चला गया, तो उसने कहा कल आप ले लेना। सो आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी जल्दी करवाओ, और हमने सेटअप बहुत ज़्यादा बढ़ाना है। मिलते हैं कल वाले न्यू व्लॉग में, आज के लिए अल्लाह हाफिज़।